विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले बिहार के एक बड़े नेता मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की आज सुबह शव बरामद हुई है, मतलब उनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या इतनी निशंस है कि उनके शव को जब ग्रामीणों ने देखा तो उनका रूह कांप गया। धारदार हथियार से न जाने कितने बार उन पर हमला किया गया है और तब उनकी जान गई है, उनकी मौत हुई है। उनके बिरौली स्थित जो पैतृक आवास है वहां पर वो रह रहे थे, उनके साथ दो नौकर और एक ड्राइवर भी रह रहा था। और आज सुबह जब शव बरामद हुआ उसके बाद ना सिर्फ उनके गांव, सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे बिहार में सनसनी मच गई है। नेताओं के बयान आना शुरू हो गया, चिराग पासवान, पप्पू यादव, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर सभी लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जांच कैसे किया जाएगा और जांच का निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए, दरभंगा ग्रामीण की जो एसपी है काम्या मिश्रा, लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं, उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि आप इसकी जांच कीजिए और जो अपराधी है, जिसने भी ये कुकृत्य किया है, उसे तत्काल प्रभाव से जेल में डालिए, आगे कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा। और देखिए, जो जो सबसे प्राथमिक रिपोर्ट निकल कर आई है आपको बता रहे हैं वो यही है कि पुलिस ने यह शंका जाहिर किया है कि चोरी के लिए यह हत्या कर दी गई है। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि चोरों को यहां तक शायद पता नहीं होगा कि ये बुजुर्ग है कौन, या अगर जानकारी होगा तो सोचिए कि उनका मनोबल कितना बड़ा हुआ है कि मुकेश सहनी सरीक नेता के पिता की हत्या करने में भी जो बिहार के अपराधी हैं वो कोई संकोच नहीं कर रहे हैं और इतनी दर्दनाक तरीके से उनको मारा जा रहा है। अब देखिए जो खबर निकल कर आई है, मौके पर जांच के लिए पहुंचे एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि घर में चोरी की नीयत से चोर घुसे थे। इसी बीच मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की नींद खुल गई और जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया है तो उसी समय चोरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया है। और कई बार उन पर जब हमला हुआ है तो फिर अंत में उनकी जान चली गई है। ये बात जो वहां पर सबसे पहले पहुंचे हैं एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी, उनके द्वारा ये बयान आया है, ये बातें कही गई है। अब जांच जो है वो काम्या मिश्रा को सौंपा गया है। आपको बताएं कि एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने जीतन सहनी हत्याकांड की जांच दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा को सौंपी है। काम्या मिश्रा अपने काम को लेकर पटना में भी सुर्खियों में रही, कई बार मीडिया में काम्या मिश्रा को लेडी सिंघम के रूप में भी बताया है। तो अब ये सारा जो दायित्व है जांच का, चूंकि ये काफी गंभीर मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है और ये मामला अभी कुछ दिनों तक चलेगा, तो उस परिस्थिति में काम्या मिश्रा के ऊपर अब ये सारा दायित्व डाला गया है कि आप पता कीजिए कि आखिरकार वो अपराधी कौन है, क्यों इस तरीके का कृत्य किए, आखिर जीतन सहनी की क्या अपराध थी। वो सो रहे थे और रात के समय जो बातें बताई गई हैं, हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाएगा, फॉरेंसिक जांच भी इसकी होगी, तो अभी कई तरह की कानूनी कार्रवाई इस पर होनी है। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि काम्या मिश्रा इसकी जांच करेंगी। दरभंगा से पहले काम्या मिश्रा पटना सचिवालय में डीएसपी थी। कई अहम फैसलों में उन्होंने, उनके कड़क रुख के चलते वो स्थानीय लोगों की पसंदीदा अफसर भी रही हैं। अब दरभंगा में उन्हें इस हाई प्रोफाइल केस की जांच की जिम्मा मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 साल की उम्र में, साल 2019 में काम्या मिश्रा जो है उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करके आईपीएस बनी थी और तब से वो सेवा अपना बिहार में ही दे रही है। फिलहाल वो दरभंगा ग्रामीण की एसपी है और अब एक बड़े हाई प्रोफाइल केस की जांच उनको सौंपी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत